महाराष्ट्र के सियासी संकट से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस संकट में राजभवन भी एक्टिव मोड पर आ चुका है। कोविड के उभरते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसलों पर हिसाब मांग लिया है। राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए गए फैसले की फाइल मंगवाई है। सूत्रों के मुताबिक इन तीन दिन में उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों की मंजूरी दी है। शिंदे गुट की सेंधमारी खत्म नहीं हो रही है। आज एक और शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। अगर एक विधायक शिंदे गुट का दामन थामते हैं तो बागी गुट की संख्या 40 हो जाएगी और उद्धव के साथ सिर्फ 15 बचेंगे। तो लगातार ये घटनाक्रम बदलता हुआ, शिंदे गुट में शिवसेना एमएलए की संख्या 40 हो जाएगी, उद्धव के साथ सिर्फ 15 बचेंगे, टोटल संख्या उनकी विधानसभा में 55 है। ऐसे में 6 तस्वीरें दरअसल पूरे संकट को बयां करती हुई, कैसे फ्लोर टेस्ट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शिंदे के साथ 2 और एमएलए जुड़ गए हैं। 11 जुलाई तक शिंदे कैंप यहीं डटा रहेगा, क्योंकि तब तक ही समय सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है जवाब दाखिल करने के लिए। 29 तारीख को बीजेपी का बुलावा है, लेकिन आज संजय राउत ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। सड़क तक सियासत जारी है। और अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र संकट पर राजभवन ने राज्य सरकार से फाइलें मांगी हैं। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो भी उद्धव सरकार ने फैसले लिए हैं उसको लेकर डिटेल रिपोर्ट अब राज्यपाल ने मांग ली है। भगत सिंह कोश्यारी कोविड से उभर चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये फैसलों वाली फाइल सौंपी जाए, क्योंकि फैसले जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। बागियों की शिकायत के बाद राजभवन ने आदेश दिया है। इन फैसलों में क्या कुछ शामिल है, इन फाइल से ही साफ हो पाएगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को निर्देश दे दिया है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुवाहाटी से जुड़ गए हैं। पारस दामा मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, 2 विधायक जुड़ चुके हैं, आज एक के आने की उम्मीद है, कुल संख्या तब 40 हो जाएगी। आज कौन जुड़ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अलग अलग नाम आ रहे थे कि कौन आएगा, ये क्या मिलेगा। हालांकि संजय राउत के भाई का नाम भी कल आया कि वो आ सकते हैं, उन्होंने डिनाय किया इस बात को लेकर के। तो अलग अलग नाम है, लेकिन उम्मीद की कल से यही चर्चा है कि एक और एमएलए आएगा यहाँ पर बागी गुट में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बागियों के हौसले बुलंद है। सुप्रीम कोर्ट का जो कल आदेश आया ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ी ऑडियो की दिक्कत है अशोक, उसे ठीक करिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। पारस मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पारस, देखिए सामना में एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी मुख्य साजिशकर्ता है यहां तक कह दिया गया है सामना में। डिटेल्स क्या कुछ लिखी गई है सामना में वो बताइए। नेहा, लगातार आज चौथा दिन है जब सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कल नचनिया तक बोल दिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट है उनको। अब एक बार फिर इसी मुखपत्र में लिखा गया है कि जितनी भी साजिश है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इसके मद्देनजर एक तरफ जो है चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहीं राव साहब दानवे ये कहते हैं कि 3 दिन हम विपक्ष में है, उसके बाद जो है शिवसेना को और महाविकास अघाड़ी सरकार को अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको डायरेक्टली अब संजय राउत और सामना और शिवसेना की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, उन पे हमला किया जा रहा है। वहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को तोड़ने की काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। वहीं लगातार ट्वीट के जरिए भी संजय राउत जो है वो हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे और एकनाथ शिंदे ग्रुप पे। कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया गया जिसमें जलालत एक मौत होती है, एक तरीके से होती है, और जो लाश जिंदा लाशें कुछ लोग हैं जो जाहिल हैं, इस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जो बागी कैंप है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो अब फ्रंट फुट पे आके जो है वो शिवसेना खेल रही है। लगातार हम रैली देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं पब्लिक एड्रेसेस हो रहे हैं। वहीं संजय राउत भी जो है फ्रंट फुट पे हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली थी, जब उनको ईडी का समन आया था, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, कितना भी दबाव बना ले, मैं अपना गला कटवा लूंगा, लोग मुझे गोली मारते, बट मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तो एक चीज जो है संजय राउत ने साफ कर दी है कि ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई जा रही है और मैं झुकूंगा नहीं, ना ही शिवसेना झुकेगी। जो मुंबई में है, जो लोग गए हैं गुवाहाटी, जो लोग पहुंचे हैं वो भले बागी बने हैं बट उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, ऐसा आदित्य ठाकरे का कहना था। तो अब बहुत चीजें जो है वो थोड़ा थोड़ा करके खुलेंगी, क्योंकि एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरीके से
तस्वीर साफ हो रही है, भगत सिंह कोश्यारी भी अब सीन में आ चुके हैं। अशोक देखिए, कल तो बहुत बड़ी राहत यहां पर दी गई, जवाब फाइल करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई, लेकिन इस बीच विधायकों में किस तरह की सुगबुगाहट है जो कि एकनाथ शिंदे के साथ है, फ्लोर टेस्ट की क्या तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त उस खेमे में? देखिए काफी उत्साहित हैं, कल जिस दिन से राहत मिली, फौरी राहत कहूंगा मैं इसको, फौरी राहत, क्योंकि 11 जुलाई के बाद फिर सुनवाई होगी और कोर्ट में मामला है, लेकिन काफी उत्साहित हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, खासतौर से कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात हो रही थी, कल शाम तक का समय था, उसको 11 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पर जो रणनीति बनाई, कल खबरें आ रही थी कि कुछ लोग जा करके मुंबई में विड्रॉल करेंगे, फिर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, लेकिन अभी रणनीति इन्होंने चेंज की है। और खास बात यह कि बीजेपी बेशक कुछ भी कहे, वेट एंड वॉच की बात करे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर ही रणनीति बनाई जाएगी एकनाथ शिंदे गुट की, और क्योंकि रणनीतियां लगातार बदल रही है, और ये अब कह रहे हैं कि हम असली शिवसेना है, हम लोगों को विड्रॉ करने की बात नहीं है, हम तो खुद ही असली शिवसेना है, उनके पास वो लोग माइनॉरिटी में पहले आ चुके हैं, उनके साथ 15 MLA बचे हुए हैं। तो ये तमाम यहाँ इस खेमे में काफी उत्साह है, और उनको लग रहा है कि अब बाजी हमारे हाथ में है। बहुत कोशिशें उद्धव ठाकरे की तरफ से, सड़कों की लड़ाई लड़ी गई और इमोशनल कार्ड भी खेले गए, लेकिन कोई काम नहीं आया। और कानूनी बैटल की अगर बात की जाए, अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट में, उससे ये खेमा काफी खुश है कि अभी के लिए जिस बात का डर था डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अभी नहीं हो पाया। तो रणनीतियां बनाई जा रही लगातार, और खासतौर से बीजेपी के नेताओं के साथ मिलके ही एकनाथ शिंदे रणनीति बना रहा है। कुछ दिन पहले भी देवेंद्र फडणवीस से जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद रणनीति बनाई गई थी, लीगल बैटल लड़ने की बात हुई थी कि किस ढंग से कौन कौन वकील होंगे, कैसे आगे ले जाना है पूरा मामला। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो निर्देश आए, उसके बाद फिर बीजेपी के बने हुए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। पारस धामा, हमें सहयोगी अशोक सिंघल, दोनों बने हुए हैं हमारे साथ। लेकिन अब बात महाराष्ट्र के सियासी संकट में किस तरीके से आगे क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। 48 विधायक होने के बावजूद शिंदे गुट ना तो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है, ना ही उद्धव सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर रहा है। वहीं फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी भी नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या होगा महाराष्ट्र में। गुवाहाटी के जिस 5 सितारा होटल में शिवसेना के बागी नेता ठहरे हैं, उसी के बाहर ये विशाल होर्डिंग लगी है। इसमें शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे हैं, बाला साहेब ठाकरे भी हैं, और साथ में राजनीति में शिंदे के गुरु रहे आनंद दिघे। तस्वीरों के जरिए एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर बताने की कोशिश की है कि उन्होंने बगावत कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे के आदर्शों के लिए की है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे खेमे को राहत मिलने के बाद अटकलें अब इन सवालों पर शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र के सियासी संकट का अगला अध्याय क्या होगा। अगला अध्याय लिखने के लिए फिलहाल शिंदे खेमे ने गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में अपनी बुकिंग 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। पहले ये बुकिंग 30 जून तक के लिए थी। कल इन बागी विधायकों से मिलने असम सरकार के मंत्री जयंत मल्ला पहुंचे थे, लेकिन मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने इसे दोस्ताना मुलाकात बता दी। पॉलिटिकल कुछ एंगल तो बीजेपी के कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं आपके मन का क्या एंगल रहेगा? कोई कोई ऐसा है, पूरा देश भर में बहुत सारे MLA का साथ, मेरा ही जान पहचान है, कोई गुवाहाटी आएगा तो मुझे बुलाएगा तब मैं जाता हूँ, इतना ही जान पहचान है, उसका अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन में हम लोग कोई जानकारी नहीं। मल्ला के इस बयान से साफ है कि बीजेपी अभी सीधे तौर पर शिंदे खेमे के साथ दिखना नहीं चाहती। कल मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से निकले पार्टी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने साफ साफ कहा, बीजेपी वेट एंड वॉच की नीति पर चल रही है। बीजेपी ने शिंदे कैंप से ना तो कोई बात की और ना ही शिंदे खेमे से बीजेपी को कोई प्रस्ताव मिला। मुनगंटीवार ने माना कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य के राजनीतिक परिस्थिति का आकलन किया गया। एकनाथ शिंदे जी, उनकी शिवसेना ये मूल शिवसेना है, ये जो उन्होंने कहा है, घोषणा की है, उस विषय में भी मंथन हुआ है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी।
शिंदे खेमे में इस वक्त शिवसेना के 39 और अन्य 9 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 और विधायक जल्द ही शिंदे खेमे से जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद शिंदे खेमा उद्धव सरकार से समर्थन खींचने की चिट्ठी राज्यपाल को भेजने को लेकर असमंजस में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या बीजेपी राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी राज्यपाल से सीधे मांग नहीं करेगी। फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए कोई छोटी पार्टी आगे आ सकती है। ऐसे में अन्य विकल्प ये है कि हालात का स्वतः संज्ञान लेकर राज्यपाल खुद उद्धव से बहुमत साबित करने को कहें। बीजेपी को पक्का यकीन है कि फ्लोर टेस्ट में उद्धव सरकार गिर जाएगी और सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप से मिलकर बीजेपी सरकार का गठन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से मुंबई या आसपास के इलाकों में रहने को कहा ताकि फ्लोर टेस्ट हो तो सारे विधायक मौजूद रहें। अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गट की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गटों की ओर से प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। पिछले सोमवार को सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ विधायकों की मौजूदगी से बगावत का खुलासा हुआ था। 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन सस्पेंस कायम है कि बगावत की जो कहानी शुरू हुई उसका अंत क्या होगा। गुवाहाटी से अनुपम मिश्र के साथ पंकज उपाध्याय और मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना का मुखपत्र सामना जिसने बीजेपी पर हमला बोला है। सामना का आरोप है कि महाराष्ट्र संकट के पीछे बीजेपी का हाथ है। आरोप यह भी लगाया गया है कि बीजेपी महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटना चाहती है। ये तमाम आरोप सामना के जरिए बीजेपी पर साधे गए। महाराष्ट्र संकट के पीछे बीजेपी का हाथ है, ये सामना मुखपत्र में लिखा गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सामना में किस तरीके से बीजेपी पर लगातार वार किया जा रहा है। मुखर तौर पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे समेत संजय राउत सभी इस बात को बोल चुके हैं, लेकिन अब सामना के जरिए भी रोजाना बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। तो बागी विधायकों पर संजय राउत भी हमलावर है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुनीश पांडे ने। ये जो समय मिला है, क्या उसमें आप लोगों की कोशिश रहेगी कि जो बागी एमएलएज हैं उनसे कोई बातचीत की जाए, कोई रणनीति तैयार की जाए? क्योंकि आप लोग जो समय मिला है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, देखो कोशिश तो जरूर करेंगे, आज भी हमारे संपर्क में लोग हैं वहां से, जब मुंबई में आने की कोशिश करेंगे तो उनसे ठीक डायलॉग हो सकता है हमारा। अभी तो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हमें मैसेज मिलता है कि हमको बात करना है, हमको यहां से छुड़ा दो। मुंबई में आएंगे तो यहां का माहौल, यहां की हवा, यहां का पानी सब कुछ अलग है। मैंने हवा पानी तो अलग है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 11 तारीख तक जिन एमएलएस को नोटिस गई थी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, 16 एमएलएस को, उनको डिस्क्वालीफाई न किया जाए। अच्छी बात है, लेकिन 11 तारीख के बाद तो करना ही पड़ेगा। मौत आज आप टाल सकते हो, कभी ना कभी तो ये क्रिया प्रक्रिया होने वाली है ना। जो 12 एमएलएज है जिसके ऊपर ये तलवार लटकी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो हटेगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ईडी ने आपको समन किया हुआ है एक मामले में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। क्या आपको अंदेशा था? क्योंकि आपने पिछले कुछ बयानों में आपने लगातार कहा था कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, क्या आपको लगता है? ये अभी जो मुझे नोटिस आया वो मिसयूज ही है ना। मेरे जैसा आदमी ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या है सब पैसों का खेल कभी किया नहीं। ठीक है, भेज दीजिए, मुझे मालूम है कहां से इंस्ट्रक्शन जाता है, क्यों जाता है, जो चल रहा है महाराष्ट्र में उनमें एक मैं फ्रंट पर हूं, मेरी पार्टी के लिए, बालासाहेब ठाकरे जी की पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो मेरा आवाज बंद कर दो, और देखिए मेरा आवाज आप बंद नहीं कर सकते। आप ईडी की नोटिस भेज दीजिए या मेरी गर्दन उड़ा दो, मैं गुवाहाटी से रास्ते से नहीं निकलूंगा।
मैं यहां ही रहूंगा मेरी पार्टी के साथ, आप इतनी भी कोशिश करो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे खिलाफ ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, मैं जेल जाऊंगा ना, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो, अभी मैं बैठा हूं शिवसेना भवन में, आप आइए अरेस्ट करो, मुझे बुलाओ कब आना है, मैं जाऊंगा। आदित्य ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि जो बागी विधायक है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, उनसे खास बातचीत की है, सुनिए उसके अंश। सत्ता का क्या होगा, सरकार बचेगी, सब लोग यही जानना चाहते हैं। हम जीतेंगे लेकिन ये लोकशाही के जो खिलाफ चल रहा है, ये आप देख रहे हो, ये तो सर्कस बन गया है पूरा। हाँ, हाँ। भगा के लेके गए हैं, कैसे गए हैं पता नहीं। उद्धव जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मुझे लगता है उनके मन में यही है कि लोगों की सेवा कैसे करते रहे। दूसरी चीज, जो भगा के लेके गए हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में, तो पलटे की जब वो मुंबई में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है। हाँ। कि उनको सेना में रहना है, जो जैसे नहीं रहना है। हाँ। वो गट तो बना नहीं सकते, उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है। हाँ। या फिर भाजपा में या कहीं जाना है। हाँ। तो वो उनकी बात हुई, लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जंग सड़क पर आ गई है। शिवसेना और बागी गुट समर्थक शहर शहर आमने सामने है। शिवसैनिक बागियों के घरों और दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं, तो बागी गुट भी उद्धव के खिलाफ ताल ठोक रहा है। थाने में उद्धव के संकट मोचक संजय राउत का पुतला फूंका गया। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, थाने कोल्हापुर, अकोला, बीड, औरंगाबाद और थाने की, जहां पर शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप आमने सामने आ गए। खिलाफ चल रहा है। हाँ। ये आप देख रहे हो, ये तो सर्कस बन गया है पूरा। हाँ। हाँ। भगा के लेके गए हैं, कैसे गए हैं पता नहीं। उद्धव जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? मुझे लगता है उनके मन में यही है कि लोगों की सेवा कैसे करते रहे। दूसरी चीज, जो भगा के लेके गए हैं उनको मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 15-16 लोग हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई में उनका आना होगा साथ में, पलटे की जब वो मुंबई में आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यही बात है कि उनको सेना में रहना है, जो जैसे नहीं रहना है। हाँ। वो गट तो बना नहीं सकते, उनको एक तो डिस्क्वालीफाई होना है। हाँ। या फिर भाजपा में या कहीं जाना है। हाँ। तो वो उनकी बात हुई, लेकिन जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले। जो युति लेके हम लोग गए थे, सेना बीजेपी युति को लेके हम लोग महाराष्ट्र की जनता के सामने गए थे, तो उसको अगर आज हम ऑनर करें तो ये बहुत अच्छी चीज होगी और इससे बेहतर गवर्नमेंट बनेगी और वो बेहतर तरीके से काम भी कर सकेंगी, क्योंकि ऑनरेबल पीएम जो है उनके और मातोश्री के बहुत अच्छे रिलेशंस है। आज भी हम लोग का शिवसेना में ही है और उद्धव जी के मन में बहुत था। एक तो आदित्य जी ने खुद स्टेटमेंट दिया है था कि उन्होंने शिंदे साहब को बुलाया था, बोलने लगे कि आप मेरी जगह पे सीएम बन जाओ, फिर उनके आंखों में आंसू हो गए, उनका स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे सीएम नहीं बनना है, सीएम बनने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सेना और बीजेपी इकट्ठा आ जाइए। और मैं भी यही मांग कर रहा हूँ, सेना और बीजेपी इकट्ठा आ जाइए, क्योंकि हम लोग इकट्ठा इलेक्शन लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाए। और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। वडोदरा में एक मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में कौन था सबको मालूम है, रात को, रात के अंधेरे में मीटिंग हो, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया संजय राउत का आवाज बंद करो, वो अपनी पार्टी और सरकार और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये नोटिस आ गई, उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे, उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है एंटी डिफेक्शन, और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो।
इस बीच महाराष्ट्र संघर्ष से जुड़े दो बड़े अपडेट्स आपको बता दें कि आज एक और बागी विधायक शिंदे कैंप से जुड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो गुवाहाटी पहुंच सकते हैं और साथ ही भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं एकनाथ शिंदे, समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपी जा सकती है उनकी ओर से। ये दो अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। पारस धामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अशोक, इन्हीं से जुड़े हुए दो सवाल आपसे, कब तक एकनाथ शिंदे की मुलाकात राज्यपाल से हो सकती है, आज या कल में, और अभी तक क्यों नहीं फैसला हो पा रहा है समर्थन वापसी की चिट्ठी कब दी जाए या फिर नहीं दी जाए, क्यों इतनी असमंजस की स्थिति है। दूसरा सवाल ये, आदित्य ठाकरे पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि 15 से 16 विधायक उनके संपर्क में है, जब वो वापस मुंबई आएंगे तो बाजी पलट जाएगी। देखिए, उनको लगता है क्योंकि संजय राउत भी शिवसेना की तरफ से यही आरोप लगाए गए हैं कि जो विधायक गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ बैठे हैं उनमें से ऐसे बहुत से विधायक हैं जिन पे ईडी का दबाव है, उसी के चलते वहां पे गए हैं, उनके पीछे ये कारण है। दूसरा उनका ये भी कहना है कि जब वो महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा, कुछ लोगों को जबरदस्ती यहाँ बिठाया गया है, इसीलिए 15 से 20 विधायक जो हमारे संपर्क में है, तो उनको उम्मीद यही है कि जब वो यहाँ आएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। दूसरा, जहां तक समर्थन वापसी की चिट्ठी का सवाल है, समर्थन वापसी को लेके कल खबरें थी कि ये गुट जो है भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर के मुंबई में जाकर के कुछ लोग समर्थन वापसी की चिट्ठी लेंगे, फिर टेस्ट बोर्ड की मांग करेंगे, फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, लेकिन उसके बाद चीजें बदल रही हैं, क्योंकि जो भी इनकी प्लानिंग होगी, क्योंकि बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात है और बीजेपी के लोगों के साथ लगातार इनकी मीटिंग्स भी हो रही है, तो लेकिन कल के बाद एक ये चीजें बदली कि ये लोग चिट्ठी वापसी के समर्थन वापसी की चिट्ठी नहीं देंगे और न ही कोई फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, बीजेपी भी नहीं करेगी और किसी दूसरी पार्टी, छोटी पार्टी की तरफ से ये कहलवाया जाएगा समर्थन वापसी को लेकर के, फ्लोर टेस्ट को लेकर के। तो उसके बाद क्योंकि बीजेपी और इन सब की भूमिका आएगी, तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और रणनीति लगातार बदल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 पारस भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। पारस, देखिए अब इस पूरे सीन में भगत सिंह कोश्यारी की भी एंट्री हो चुकी है, जो डिसीजन मेकिंग उद्धव सरकार की ओर से की गई है 22 से 24 तारीख पर, उस पर कब तक जवाब मांगा गया है और क्या ये डिसीजन है, इन पर क्या जानकारी मिल रही है। दूसरा सवाल आपसे ये कि जो समर्थन वापसी की चिट्ठी एकनाथ शिंदे लेकर पहुंचेंगे, कब तक ये मुलाकात है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है। नेहा, 22, 23, 24 ये तीन तारीख थी जब घाई में सारी फाइल्स जो है वो पास की गई, ऐसा पहले प्रवीण दरेकर ने भी इल्जाम लगा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, प्रवीण दरेकर लीडर ऑफ अपोजिशन है और उन्होंने पहले भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी थी कि इसके बारे में 22, 23, 24 तारीख को जो है वो घाई में बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे जीआर जो है वो पास किए गए थे, क्यों किए गए थे ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है अब राजनीति घूमेगी, क्योंकि एक तरफ भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और वापस लौट चुके हैं, फ्लोर पे कब वोटिंग होगी ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो मांग नहीं करेगी, एक तरफ शिंदे कैंप भी कह चुका है कि हम मांग नहीं करेंगे, तो कौन मांग करेगा। उस तरीके से अगर हम बात करें इन तीन तारीखों की, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या ऐसा था, क्या ऐसे जीआर पास करने थे जिसमें इतनी ज्यादा जल्दबाजी की गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो उभर के सामने आ रहा है कि उद्धव सरकार द्वारा इन तीन तारीख को जो फाइल्स दी गई थी, जो पास की गई थी, वो इतनी ज्यादा जरूरी क्यों थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात अब पंजाब की करेंगे, जहां के मोहाली से आया वायरल वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो दरअसल मोहाली जिले के डेरा बस्ती का है, वीडियो में एक पुलिस वाला निहत्ते युवक पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है, गोली जिस युवक को लगी उसका नाम हितेश बताया जा रहा है, बैग की तलाशी से बात इस कदर बढ़ गई कि पुलिसकर्मी को गोली चलानी पड़ी। हैरान करने वाला ये वीडियो पंजाब के मोहाली जिले के डेरा बस्ती का है। तस्वीरें देखिए, एक पुलिस वाले के साथ दो युवक और एक युवती का झगड़ा चल रहा है, पुलिस वाले के हाथ में रिवॉल्वर है जबकि बाकी तीनों निहत्थे हैं। झगड़ा इतना बड़ा कि तीनों पुलिस वाले की तरफ झपटने लगते हैं और तभी गोली चल जाती है। भाई,
मोहाली जिले के डेरा बस्ती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि जख्मी शख्स का नाम हितेश है। वो बहन और जीजा के साथ मार्केट जा रहा था। पुलिस की चेकिंग चल रही थी। आरोप है कि जब पुलिस वालों ने हितेश के बैग की तलाशी लेनी चाही तो हितेश ने मना कर दिया। इसी मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। तस्वीरें देखिए, पुलिस वाला लड़की को थप्पड़ मारता है। बात यहीं से और बढ़ गई। बहन के साथ बदसलूकी की देख भाई कूद पड़ा और पुलिस वाले को ललकारने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बड़ी कि पुलिस वाले ने गोली चला दी। गोली हितेश के पैर में लगी तो चीख पुकार मच गई। मामूली बात पर गोली चल चुकी थी। गोली चलाने वाला पुलिस वाला था। ये बात इलाके में तेजी से फैली और लोग इकट्ठा हो गए। लोग बेहद गुस्से में थे। उनका गुस्सा देखिए। पुलिस की ये गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। एक शख्स गाड़ी की खिड़की से लटका हुआ है। गोली से जख्मी युवक हितेश की बहन भी गाड़ी के पीछे भाग रही है। पुलिस वाले ने जैसे ही गाड़ी रोकी, लोगों ने लाठी डंडों से पुलिस गाड़ी पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए, लोगों के गुस्से से बचने के लिए जब एक पुलिस वाले ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला रविवार रात का है। पूरे मामले पर फिलहाल किसी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो को देखने के बाद बड़ा सवाल उठता है। निहत्थे लोगों पर पुलिस ने क्यों गोली चलाई? क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई? क्या पुलिस को इनसे जान का खतरा दिख रहा था? लेकिन तस्वीर तो कुछ और कहानी बयान कर रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है किसी के पास कोई हथियार नहीं था। क्या पुलिस के पास इन्हें पीछे हटाने का और कोई रास्ता नहीं था? जाहिर है आज ये सवाल पूछे जाएंगे और मोहाली पुलिस को इसका जवाब देना होगा। सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। और एक बार फिर आपको ये वायरल वीडियो दिखा देते हैं जिसमें निहत्ते लोगों पर पुलिस ने गोली से वार किया। पुलिस से युवक की बहस हुई, नौबत मारपीट तक पहुंच गई, उसके बाद अंत कैसे हुआ ये भी आपने तस्वीरों में देखा। ये सभी लोग पुलिस पर हमलावर दिखाई दिए।